नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत। मैं हूं आपके साथ नासिर खान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिला से। महिला साइबर क्राइम सेल का हुआ भव्य उद्घाटन। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी द्वारा महिला सशक्तिकरण अभियान मिशन शक्ति के अंतर्गत समस्त परिक्षेत्र साइबर क्राइम पुलिस थाने में महिलाओं के समक्ष आने वाली इंटरनेट और विभिन्न सोशल साइट से जुड़ी समस्याएं जैसे साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग, महिलाओं की पहचान की फ्रॉड गिरी आदि में सहायता समस्याओं के निवारण हेतु एक महिला साइबर क्राइम सेल जो पूर्णतः महिला पुलिस कर्मियों से संचालित है, जिसका गठन करते हुए पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 8/3/2021 को डिजिटल लोकार्पण किया गया, जिसके अनुपालन आज साइबर क्राइम थाना आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ रानी के सराय में श्रीमती रागिनी सिंह सामाजिक कार्यकर्त्री एवं जिला पंचायत सदस्य आजमगढ़ एवं शशिकला श्रीवास्तव सामाजिक कार्यकर्त्री आजमगढ़ द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक यातायात आजमगढ़ नोडल अधिकारी साइबर क्राइम थाना आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ की उपस्थिति में महिला साइबर क्राइम सेल का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित महिलाओं गणमान्य को विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध एवं उनसे बचाव के संबंध में जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। साइबर जागरूकता से संबंधित पंपलेट वितरित किया गया। नव गठित महिला सुरक्षा समिति के सदस्यगण को भी गरिमामय उपस्थिति रही। आम जन से महिलाओं से जुड़ी हुई साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुकिंग और पहचान संबंधित फ्रॉडगिरी जैसे शिकायतों के लिए यह हेल्पलाइन, यह महिला डेस्क या साइबर क्राइम का उद्घाटन किया गया। न्यूज 9 भारत के लिए विक्रांत उपाध्याय की खास रिपोर्ट। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस उपलक्ष्य पर साइबर क्राइम थाने में महिला साइबर क्राइम सेल का गठन किया गया है। इसका शुभारंभ आज हुआ है। इसमें नीतू मिश्रा मुख्य प्रभारी हैं, 2 कांस्टेबल हैं जिनको ट्रेनिंग दी गई है। तो हमारी महिलाओं को साइबर क्राइम संबंधी बचाव, क्या उनके प्राविधान है, क्या अधिकार है, साइबर क्राइम यदि तरफ कोई होता है, कोई समस्या है, उस पर काउंसलिंग और उनकी समस्याओं का निस्तारण यहाँ पर किया जाएगा। तो उनके लिए अलग से एक यह डेस्क खोली गई है।